किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं करारे पात्रे। आवाज से ही समझ में आ रहा है ये पात्रा कितने करारे बने हैं। यह गुजरात का डिश है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पात्रा बनाने के लिए हमको क्या क्या मसाला चाहिए वो देखिए। एक स्पून हमने धनिया लिया है, एक स्पून हमने जीरा लिया है, एक स्पून हमने सौंफ लिया है। अब हम ये सब मसाले को गरम कर लेंगे। गरम करने से इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और पीसने में आसानी होती है। देखिए हमारा मसाला गरम हो गया है। अब इसे हम दरदरा सा कूट लेंगे। कूटने से हमारा जो हम बैटर बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए अभी मसाला तैयार नहीं हुआ है, इसे और बारीक हम करेंगे। जब तक हम एक बर्तन में एक ही माप से दो कटोरी बेसन लेंगे, उसी कटोरी से हम चावल का आटा भी लेंगे, उससे ही ये करारा होता है। अब देखिए ये मसाला कितना बारीक हो गया है। यह भी इसमें हम डाल देंगे। आपने जो लहसुन की कली देखी थी उसे हमने दरदरा पीस लिया है। उसके साथ हम अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च सब को मिक्स करके हमने दरदरा पीस के इसमें मिक्स कर दिया है। हरी मिर्च आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से डालिए। हल्दी, गरम मसाला, 1/2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और ये इमली का पानी है। इसमें जितना खट्टा आप डालें उतना ही अच्छा होता है। डालने के लिए गुड़ भी डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला है, हमें नहीं पसंद, इसलिए हमने इसमें गुड़ नहीं मिलाया है। ये एक नींबू का रस है, वो भी इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि ये पत्ता जो होता है बहुत ही कड़वा होता है। अगर हम इसमें खट्टे की मात्रा ज्यादा नहीं करेंगे तो ये हमारे गले में चुभता है। ये बैटर को हम ना ज्यादा ढीला करेंगे और ना ज्यादा सख्त करेंगे। देखिए इसमें हमने बहुत कम पानी का यूज किया है। स्वाद अनुसार नमक। अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है, जैसा हमें चाहिए था उस हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है, अब आगे के प्रोसेस में चलिए। ये देखिए ये आलू का पत्ता है, इसे हम बीचों बीच एकदम आराम से हम डंठल को काट लेंगे। नहीं काटेंगे तो हमारा पत्ता फोल्ड नहीं हो पाएगा। देखिए कितनी बारीकी से हमने काटा है, क्योंकि पत्ता बहुत ही नाजुक होता है। ये देखिए हम सावधानी से एक एक पत्ते का डंठल निकाल चुके। अब हमने जो बैटर तैयार किया था वो इस पे हम बहुत ही सावधानी से लगाएंगे। सीधा साइड हमें नहीं लगाना है, उल्टा साइड ही लगाना है। हम ज्यादा पत्ते का यूज नहीं कर रहे हैं, 3 से 4 पत्ते में हो जाता है, एक रोल बन जाता है। यह अरबी पत्ता है, एक कंच का पत्ता आता है जिसका भाजी बनता है। इसका सिर्फ और सिर्फ पात्रा ही बनता है, इसका सब्जी नहीं बन सकता। यह देखिए दूसरा पत्ता, इस पे भी हम बैटर लगा देंगे। सेम प्रोसेस हम हर पत्ते के साथ करेंगे। अब ये हम तीसरा पत्ता और
जितना भी पत्ता रखेंगे हम उल्टा सीधा करके रखेंगे, एक ये साइड एक वो साइड। अब देखिए इसे हम दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारी जो बरी बने वो एकदम सीधी सीधी बने, नहीं तो आरी टेढ़ी सी बनेगी। और देखिए इसे हम कैसे फिर से ऊपर से बैटन लगा देंगे। अच्छे से लगाइएगा, जितना ज्यादा लगेगा उतना ही अच्छा लगेगा खाने में। अब इसे हम पूरा सख्त हिसाब से इसे हम फोल्ड करेंगे, बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए। देखिए हम कैसे कर रहे हैं। यह जो किनारा है बैटर लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इसे हम थोड़े टाइम को रख लेंगे। सेम प्रोसेस हमने दूसरे रोल में भी किया है। अब इसे हम देखिए बारीक बारीक काट लेंगे। चलिए दूसरे प्रोसेस की तरफ। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है हमारा। अब हमें पात्रा को डीप फ्राई करना है। ऑयल ज्यादा गरम होना चाहिए, नहीं तो ये पात्रा पूरा फैल जाएगा। इसे एक एक करके सावधानी से डाल लेंगे। देखिए ये गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, इसे हम पलट लेंगे। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह हमने अरबी पत्ता से ये पात्रा किस तरह तैयार किया। पात्रा यानी कि गुजरात में पत्ते को पात्रा कहा जाता है। अरबी पत्ते से हम किस तरह ये पकोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल पकोड़ा यानी कि पात्रा तैयार किया है। आप अपने घर में भी आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी रेसिपी होता है और अपने घर में आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं इस चैनल का होस्ट केके झा और आप देख रहे हैं मिस्टर झा एंड मिसेज झा यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारा प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोनों साइड की रेक्टेंगल शेप में बना इसको आप टच करेंगे तो हमारा वीडियो पहले का वीडियो आपको दिखेगा। ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है, आप घर में जरूर ट्राई कीजिए। अपना ध्यान रखिए।